नमस्कार, मैं हूँ गणेश आचार्य। आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हड्डी बाजार के जिला सहकारी बैंक में चोरी के प्रयास के दौरान लॉकर में लगी आग, लाखों रुपए की करेंसी जलकर खाक, बैंक का ग्रिल काटकर बैंक में घुसे थे चोर। एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी मड़वा रानी के मंदिर से हिरासत में, 15 साल से था फरार, साधु के वेश में हुआ गिरफ्तार। चापा में बरेठ समाज के थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, समाज के संभागीय अध्यक्ष राम सेवक बरेठ पर 6 मार्च की शाम हुए जानलेवा हमले के बाद से आरोपी की नहीं हुई है गिरफ्तारी। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। संकल्प शिविर के नाम से पहले ही प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शहर कांग्रेस के द्वारा इसी कड़ी में रामसागर पारा में बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लिया। शहर अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि कांग्रेस अब अपने बूथ स्तर की तैयारियों की समीक्षा में जुट गई है। इसी तैयारियों का जायजा लेने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने सभी प्रभारियों को निर्देश देते हुए अभी से चुनावी तैयारियों में जुट जाने के भी निर्देश दिए। आज जब जोन क्रमांक 1 के वार्ड 1 रामसागर पारा में जो कमेटियाँ बनी हैं, उन कमेटी मेंबरों की मीटिंग रखी गई थी और इसमें हमारी कोरबा की महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने भी अपनी उपस्थिति दी और यहाँ कांग्रेस के जो संगठन का काम जो चल रहा है, जो बूथ कमेटियाँ और सेक्टर कमेटी जो गठन चल रही है, उसी के अंतर्गत सभी कमेटी नियुक्त पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी और उनको आगे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए कहा गया और होने वाले बहुत जल्दी आज होने वाले संकल्प शिविर जो विधानसभा स्तरीय पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है, जो कोरबा विधानसभा में भी बहुत जल्द आयोजित होने वाली है, उस पर भी थोड़े बहुत टिप्स दिए गए कि उस संकल्प शिविर में हमारे दिल्ली से और रायपुर से कांग्रेस के नेता और ट्रेनर्स आएंगे, तो उसमें उपस्थिति के लिए और क्या क्या करना है सब जिम्मेवारियों से सबको अवगत कराया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद जो है पार्टी द्वारा जो है सभी विधानसभाओं में जो है संकल्प शिविर जो है लगाए जा रहे हैं और बूथ के वास्तविक कार्यकर्ताओं के बीच जो है बूथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है, वार्ड कमेटियों का गठन किया जा रहा है और जोन कमेटियों का गठन किया जा रहा है। आज जो है वार्ड क्रमांक 1 के जो है बूथ कमेटी की जो है बैठक थी, जिसमें सभी हमारे कार्यकर्ता जो है जुटे हैं और शीघ्र ही जो है विधानसभा स्तर में संकल्प शिविर की जो है तैयारी चल रही है। बरबसपुर में स्थित SLR यानी वेस्ट डंपिंग एरिया इन दिनों वहां के रहवासियों के लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। वहां के रहने वालों का कहना है कि रहवासी इलाके में वेस्ट डंपिंग से जहां बदबू के बीच उनका जीना दुभर हो गया है, वहीं मृत मवेशी और जानवरों की लाश भी उनके लिए नई समस्या खड़ी करने वाली है। वहां के लोगों ने बताया कि फेसिंग के अभाव में पालतू मवेशी वहां जाकर कचरों का सेवन कर रहे हैं, जिनसे उनके जानवर भी मारे जा रहे हैं। रहवासियों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि SLR सेंटर को वहां से कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाए। यहां एक कचरा है ना, कोरबा से ला के डंप करते हैं, उसमें क्या है पूरा कचरा ला के डंप करते हैं, गंदगी, कुत्ता और बिल्ली और गंदगी इतना है और जानवर लोग बाहर से आते हैं। फेंसिंग किया है लेकिन वो टूट गया है और उसमें जा जा खाते हैं गाय और जानवर लोग और मरते हैं, तो पेट में बड़ा बड़ा थैला निकलता है प्लास्टिक का। हाँ, ये किनारे किनारे सब गांव के आते हैं ना। तो आप लोग को किस तरह की समस्या आती है? एक बदबू की समस्या है, जानवर मरे की समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? हटाना चाहता ना, या सरकार होकर कोई दूसरे उपयोग करे। सांसद समेत भाजपा कार्यकर्ता 12 अप्रैल को कचहरी चौक जांजगीर में प्रदर्शन करेंगे। संसद सत्र में कांग्रेसी सांसदों द्वारा व्यवधान डालने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर सांसद कमला पाटले और भाजपा जिला अध्यक्ष मेघा राम साहू ने जानकारी दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए
सांसद ने बताया कि कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा की कार्रवाई में व्यवधान डाला, जिसके कारण जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। कई विधेयक भी इस सत्र में पास होना था, जो नहीं हो सका। जनता के बीच इसी बात की जानकारी पहुंचाने के लिए एक दिवसीय उपवास रखकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। लोग धरना और उपवास रखे हैं, इसके कारण इसलिए कि लोकसभा का सत्र जो है अभी 23 दिन की जो कार्रवाइयाँ थी, जो 5 मार्च और 6 अप्रैल तक जो चली है, उस लोकसभा में किसी प्रकार की कार्रवाइयाँ कांग्रेस के द्वारा होने नहीं दिया गया। हल्ला मचाया गया, व्यवधान बंद किए गए, बहुत महत्वपूर्ण बिल थे वो बिल पास नहीं हो पाया, और करोड़ों रुपये जनता का जो खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको बताने के लिए कांग्रेस के आखिर मंशा क्या है। इसलिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए हमारे पार्टी के ओर से भी हमारे लोकसभा के हमारे सचिव मुख्य हैं अनंत कुमार जी हैं, उनके द्वारा ये लिया गया है, प्रस्ताव लिया गया है कि हमारे लोकसभा के जितने भी सांसद हैं उनका 1 महीना 23 दिन का सैलरी और खत्ता, इसको किसी प्रकार के हमें लेने का अधिकार नहीं है। जो जनता का नुकसान हुआ उसमें भरपाई किया जाएगा, इसलिए हम जनता को बताने के लिए जो कार्रवाइयाँ नहीं हुई का आज जनता के जो नुकसान हुआ उसको बताने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, इसके लिए धरना और उपवास का। महासमुंद जिले के सरायपाली जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत बटकी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रोजगार गारंटी के तहत गहरीकरण में लाखों रुपए की राशि गबन कर लिए जाने का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अति गरीबी रेखा के नीचे आने वाले ग्रामीणों के लिए रोजगार गारंटी के तहत कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को रोजगार मिलना है। बावजूद इसके ग्राम पंचायतों में पदस्थ कर्मचारी इसका दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला सरायपाली के ग्राम पंचायत बटकी का है। ग्राम पंचायत बटकी में रोजगार गारंटी के तहत गहरीकरण के लिए ऊपर मोड़ा तालाब निर्माण में लाखों रुपए की राशि पास हुई थी, जिसमें हितग्राहियों ने 2 हफ्ते तक कार्य किए और 5 हफ्ते का मास्टर रोल भरकर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं सहायक सचिव ने मिलकर राशि गमन कर हितग्राहियों को कहते रहे आज कल आएगी राशि। वही बताना लाजमी होगा कि ग्राम पंचायत बटकी में 2 निजी डबरी निर्माण के नाम से भी फर्जीवाड़ा देखने को मिली। मेरा नाम प्रेमलाल पटेल है, जो कि ये निजी डबरी नंद कुमारी पटेल के नाम से दिया गया था, जो कि इसका आहरण कर लिया गया है और डबरी निर्माण ही नहीं हुआ है इसमें। देखा जाए तो जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं यही निजी डबरी निर्माण की जानी थी। 617/2 जमीन खसा नंबर दिया था इसी जमीन पे, तो जो कि मिट्टी उसमें का एक भी नहीं निकाला गया है, और पूर्व में जितना भी डबरी निर्माण हुआ सबका ऐसी हुआ है। और उसका कुछ पावती वावती कुछ सीओ साहब के द्वारा मिला है? पावती नहीं, पंचनामा मिला है। अच्छा, ये पंचनामा? हाँ, ये पंचनामा जो अधिकारी लोग हैं कि ये डबरी निर्माण नहीं पाया गया उनके लिख के दिए थे। जब सेकेंड फिर सीओ साहब आए तो बोले कि 2 डबरी है बोल के बोले थे। अच्छा, आप लोग के गांव में समस्या क्या है पंचायत की द्वारा? आप समझ जाओ, माने रोजगार गारंटी तरफ से हम तरियाला माने माटी खुला रहे हैं, माटी बोहे बा तो कामला माने 2 हफ्ता मन करवाई, 2 हफ्ता करवा के कामला बंद करा दें, और 5 हफ्ता के माने रोजगार सचिव और हमारे पंचायत सचिव ये मन 5 हफ्ता के माने मोस्टल बना के मन घपला करें कि 5 हफ्ता काम करवा हन करके, लेकिन काम तो 2 हफ्ता हुई से अभी, और ये 2 हफ्ता के काम के पैसा ला हितग्राही माला मिली से कि नहीं मिली से? अब तो 5 पैसा का नहीं मिली से, अभी तक नहीं मिली, नहीं मिली से। तो सचिव सरपंच के पास गया हो एक चीज के बारे में बात करे बा, एक आग बार गए रहो? हाँ। तो क्या बोली सचिव सरपंच का बोली? अभी पैसा ऐसा जमा नहीं हुई से कहीं। सरपंच के का नाम है? अलेख सिंह बाग। अलेख सिंह बाग। और सचिव के? सचिव को राधाकांत और रोजगार से जगह डिले सर। पंचायत में पूरा हर काम में घपला हो रहा है, रोजगार गारंटी काम में पूरा अनियमितता बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार की अनियमितताएं दिखने को मिल रही है? यहाँ 2 हफ्ता टोटल काम चला है ऊपर मुड़ा तालाब में, और इसमें 5 हफ्ता का मस्टोल भर के पूरा पेमेंट निकाले हैं, और उसमें किसान लोग कार्य नहीं किए हैं उनके नाम से मैंने पैसा निकला है, और लखनपुर के एक भी
कार्य करने नहीं आए हैं और उनके नाम से पूरा पेमेंट गया है। तो ये सब तमाम ये गलतियां किनके तरफ से हुई है? ये सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच अलेक सिंह बाग। और सचिव? सचिव राधाकांत साहू हैं। और ये रोजगार सहायक दिलेश्वर पटेल हैं। रोजगार गारंटी के नाम से कैसे का काम हुआ है रोजगार गारंटी में? रोजगार गारंटी में 2 हफ्ते का काम हुआ है और 5-6 हफ्ते का मोस्टर निकाल के पैसा ले लिया है। तो ये आप लोग की तरफ से करवाया गया ये सब चीज? आप लोग की तरफ से वही 2 हफ्ते का काम निकलवाया था लेकिन उसको 5 हफ्ते करवाया गया है ना? तो ये कार्य में कौन कौन से गांव वाले आए थे? बस बटकी के हैं। बटकी के हैं? और कहीं नाम वाम लिखा है उसमें? और कोई गांव का नहीं नहीं लिखा है? नहीं। अच्छा, आप मन के नाम का है? सुमित्रा। और क्या करते हो यहाँ? रोसैया। रोसैया कौन से स्कूल है? प्राथमिक बटकी। बटकी के प्राथमिक शाला है। अच्छा, देखा जाते यहाँ बोर है, काफी दिन से बंद दिखाई देते, तब मन पानी बा कैसे करता? खाना वाना बनाया बा? पानी यहाँ काफी दिन ले बंद हुई से, पानी आधा किलो दूर से हम लाता। अच्छा, आधा एक किलोमीटर दूरिया लाना पड़ते? हाँ, रोज लाता पानी? हाँ, रोज लाता। तो ये अब ये तो फिर स्कूल के बात है। हाँ। अब मतलब घर में कैसे करना पड़ते? घर में वाला भारी समस्या है, आधा किलो दूर ले आंतो, यहाँ ले वाला आधा किलो दूर से आंतो, आधा किलोमीटर दूरिया ले लाता। हाँ, है ना? तो एक बारे में सरपंच ला कुछ नहीं बोले आप मन कदा रहना? तो क्या बोलते सरपंच? क्या बोलते? बना दो बकत है, बना दे बकत है। तो अभी तक आप मन के नल जल योजना है, एक तहत अभी तक कुछ कार्रवाई की गयी से? कुछ करी से सरपंच? हिरेंद्र प्रसाद पटेल का कहना है कि उनके खेत में बिना कार्य किए निजी डबरी का मास्टर रोल भरकर निजी डबरी निर्माण के नाम पर ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच एवं सहायक सचिवों द्वारा लाखों रुपए की राशि की हेराफेरी कर लिए जाने का खुलासा हुआ। मेरा समस्या है कि 2016-17 में मेरे नाम से, हिरेंद्र पटेल के नाम से निजी डबरी मनरेगा के तहत स्वीकृत हुआ था, जो कि पूरा राशि पूरा गबन कर लिए हैं। अभी मेरे को मास्टर रोल जब ऑनलाइन निकाला तब पता चला है, जिसमें एक प्रति भी काम नहीं हुआ है, एक पैसा का, और पूरा गबन, पूरा 2,58,000 का आहरण कर फर्जी मास्टर रोल बनाकर गबन कर दिया गया सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा। दोनों का एक साथ स्वीकृत हुआ था और दोनों का ही, और भी कम बहुत डबरी है हमारे गाँव में जो बिल्कुल यही केस है, सब कोई डबरी पूरा नहीं हुआ है और पैसा सबका पूरा गबन हो गया है। अच्छा, कौन है सरपंच? कौन है सरपंच? अलेक बाग और राधाकांत साहू सचिव है, और रोजगार सहायक दिलेश्वर नायक। ये तीनों पूरा पंचायत का पूरा पैसा घपला कर रहे हैं और फर्जी मास्टर रोल बना कर पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ पे जनपद के अधिकारी भी आए थे, जब लोक सुराज में शिकायत किए थे हम लोग, तो जाँच के लिए आए थे जनपद के अधिकारी, और यहाँ पे स्थल निरीक्षण करके यहाँ पे काम नहीं होना पाया गया करके गांव वालों के समक्ष, अपना सचिव और कोटवार के समक्ष में ये पंजनामा करके गए हैं। जनपद पंचायत के सीईओ पवन कुमार प्रेमी का कहना है कि नंद कुमारी पटेल का जो निजी डबरी स्वीकृत 2,82,000 हुआ था, इसमें अभी तक 1,33,000 का कार्य हुआ है, और साथ ही साथ हिरेंद्र प्रसाद पटेल का 2,60,000 का स्वीकृति हुआ था, जिसमें 2,58,000 का कार्य हो चुका है। नंद कुमारी पटेल जी के नाम से? नंद कुमारी पटेल का जो निजी डबरी स्वीकृत हुआ था 2,82,000 का, उसमें भी 1,33,000 का काम हुआ। 1,33,000। और एक है हिरेंद्र प्रसाद। हिरेंद्र प्रसाद का 2,60,000 का काम था, 2,58,000। वही दूसरी ओर ग्राम पंचायत बटकी के ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, जबकि सरकार नल जल योजना के तहत पानी टंकी बनवाती है, नल कनेक्शन लगवाती है, जो कि अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुई है, और राशि गमन कर चैन की नींद सो रहे हैं पंचायत के सरपंच। एक वर्ष पूर्व कोटमी के सरपंच अवध राम सिदार के ऊपर लाखों के गबन का आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत डबरा में शिकायत की गई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद जनपद पंचायत डबरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सरपंच अवध राम सिदार के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया था। एक वर्ष बीत जाने के बाद सरपंच की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके विरोध में ग्रामीणों के साथ विधायक प्रतिनिधि मनीष चौधरी भी डबरा SDM कार्यालय और पुलिस थाना पहुंचे। आरोपी सरपंच को जल्द गिरफ्तार करने के लिए डबरा SDM और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। कई लाख रुपया लखा दारिस और पुलिस वाला मन लगा था ना के तो प्रहारे करके कथे पुलिस वाला मन पकड़त घला नहीं होला, हम धरना में बैठबो
घुमा थे सरपंच गाँव में आवास सरपंच। जो आज तक पुलिस के रिकॉर्ड में फरहार बताया जाता है जिसका गमन 16 लाख करीबन है, उसका सीओ जांच करके पूरा कमेटी जांच किया, उसके बाद हाई कोर्ट में उसका खारिज भी हो गया अपील, और आज भी उसको फरहार बताया जाता है, लेकिन आरोपी को आज भी पकड़ नहीं रहे पुलिस वाले। बार बार हम लोग कलेक्ट्रेट के आवेदन दिए, थाना में दिए, लोक सुराज में भी दिए हैं, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं है। इसका अगर जल्दी से कार्रवाई नहीं होता है तो हम जन आंदोलन यहाँ धरना में बैठेंगे। आज यहाँ हमारा इतना संख्या में डबरा थाना आने का उद्देश्य ये है, ग्राम पंचायत कोटमी के आरोपी सरपंच जिनके खिलाफ जनपद पंचायत डबरा सीओ ने 16/6/2017 को एक गबन का मामला लेकर आए थे थाने में, जिसमें जांच पूरी तरह से पूर्ण है, लेकिन अभी तक थाना द्वारा आरोपी अवधराम सिदार को फरार बताया जा रहा है, जबकि वो गाँव में है और गाँव में अभी भी अशांति का माहौल वो पैदा कर रहा है, शिकायतकर्ताओं को मारपीट करने की धमकी दे रहा है। कुछ दिन पूर्व शौचालय निर्माण में भी उसने व्यवधान उत्पन्न किया था, तो थाने की इस उदासीन रवैये को देखते हुए आज ग्राम कोटमी के जनता, पंचायत पदाधिकारी, मैं विधायक प्रतिनिधि चंद्रपुर मनीष चौधरी इनका समर्थन देने यहाँ पहुँचा हूँ। अगर 15 दिवस के अंदर आरोपी सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मैं इन शिकायतकर्ताओं और इन आंदोलनकारियों के समर्थन में डबरा थाना के खिलाफ उग्र आंदोलन पर इनका समर्थन देने अवश्य बैठूंगा। रायगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहाल करने व नई भर्ती पर रोक लगाने की मांग आंगनबाड़ी संघ ने की है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि संघ अपनी मांगों को लेकर 5 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके कारण प्रशासन ने बर्खास्तगी का कदम उठाया जो अन्यायपूर्ण है। हमारी जायज मांग व अधिकारों पर सरकार व प्रशासन को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि वेतन विसंगति व अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले 1 माह से हड़ताल पर हैं। नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख की ठगी करने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्रालय में ऊंची पहुंच का हवाला देकर उसने ठगी को अंजाम दिया था। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में 2 युवकों ने एक बेरोजगार को नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए ठग लिए। सालों बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो ठगी के शिकार युवक ने चंद्रपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ठगी करने वाले दोनों युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ठगी करने वाले युवकों में से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अशोक सिंह मोनेट प्लांट रायगढ़ में नौकरी करता है और उसका रिश्तेदार नागपुर का योगेंद्र शिवहरे भी उसके साथ रहता था। दोनों घूम फिर कर लोगों को अपनी ऊंची पकड़ का हवाला देते हुए नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार बनाते थे। कुछ दिन पहले चंद्रपुर के राम गोपाल देवांगन को भी सहायक ग्रेड 2 की नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए ठग लिया। जब कई महीने बाद भी नौकरी नहीं लगी तो राम गोपाल देवांगन ने मामले की रिपोर्ट चंद्रपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी योगेंद्र फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सूरत योगेश सिंहरे नाम का व्यक्ति अपने ससुर के साथ में क्षेत्र के बेरोजगार युवकों से नौकरी लगाने के नाम से ठगी करता था। कुछ लड़कों को उसने फर्जी नियुक्ति पत्र भी प्रदाय किया है। इसी विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर और सरगुजा के कुछ युवकों से भी उन्होंने अपनी ऊंची पहुंच होना बताकर लड़कों से ठगी करके पैसा लिया है। उसके खिलाफ में रिपोर्ट के आधार पर थाना चंद्रपुर में 420/36 अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही है, तथा सूरज उर्फ योगेश सिहरे के ससुर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें रिमांड पर ले जा गया है। रायगढ़ शहर से लगे गोपालपुर वार्ड क्रमांक 7 के निवासी कलेक्टर जनदर्शन में पानी की समस्या को लेकर पहुंचे। गोपालपुर में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। दरअसल इस जगह पर केवल एक ही हैंडपंप है जिससे पूरे वार्ड को पानी सप्लाई होता है, लेकिन एक ही हैंडपंप होने के कारण पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से वार्ड वासियों को पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है।
स्थानीय निवासियों ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि उन्हें उनके वार्ड में एक नया बोर खनन की अनुमति दी जाए ताकि आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी के साथ उन्हें पानी की विकराल समस्या से निजात मिल सके। इस विषय में अपर कलेक्टर संजय दीवान ने बताया कि प्रशासनिक टीम के द्वारा स्थल निरीक्षण कराया जाएगा एवं प्रशासन की अनुमति के बाद वहाँ पर बोर खनन की व्यवस्था की जाएगी। अभी ग्रीष्म ऋतु में तो थोड़ा सा पानी का संकट रहता ही है और जो शिकायत है आज ही आवेदन पत्र मिला है और उसको मैंने मतलब आयुक्त को बताया कि इसमें मतलब क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है, अपन क्या उसमें मतलब मदद कर सकते हैं, वार्डों से बताएं और आवश्यक होगा तो यदि उनके मतलब सहमति होगी तो उसका अनुमति हम नया बोर खनन के लिए दे सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और जब तक मतलब कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक वहाँ पर कुछ अन्य साधनों से ट्रैक्टर के माध्यम से पानी मतलब पूर्ति की जाएगी। रायगढ़ के ब्लॉक ग्राम कुनकुनी की महिलाओं का समूह कलेक्टर जनदर्शन में अपने गांव में हो रही अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की समस्या को लेकर जनदर्शन में पहुंची। महिला समूह की सदस्यों ने बताया कि ग्राम कुनकुनी में अत्यधिक पैमाने पर सभी घरों में अवैध शराब बनाई जाती है। गांव में नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, आए दिन गाँव में मारपीट की घटनाएं होती रहती है जो मुख्यतः शराब के नशे में ही घटित होती है। इन सब पे रोक लगाने के लिए कई बार महिलाओं ने समूह बनाकर शराबबंदी के लिए घर घर जाकर लोगों को समझाइश दी, लेकिन जब इन महिलाओं की बात गांव में नहीं सुनी गई तब इन लोगों ने कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर आई और प्रशासन को अपनी स्थिति से अवगत कराया। मैडम क्या समस्या लेकर आई हैं? हम लोग शराबबंदी के समस्या में आए हैं। शराबबंदी हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भी मान नहीं रहे, इसीलिए हम लोग यहाँ समस्या ले रहे हैं। कितनी महिलाएं? हम लोग 15 महिलाएं हैं, नारी शक्ति संगठन बनाए हैं। देखिए शराबबंदी की शिकायतें अभी लगातार कहीं एक दो गाँव और भी आई थी और जैसे ही शिकायतें आती है तत्काल उसमें जो मुख्य एजेंसी है आप करीब अगर पुलिस को बता दिया जाता है कि उसमें तत्काल कार्रवाई करें करके और हम लोग इसमें मतलब निगरानी भी रखते हैं और उनके उच्च अधिकारियों को भी बताया जाता है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें क्योंकि शराब का ऐसा मामला होता है कि इसमें जन आक्रोश मतलब भड़कने की संभावना रहती है हमेशा, तो कोशिश ये होती है कि मतलब अवैध शराब का काम तो बिल्कुल भी ना हो। ऐसे भी आज के समय में जो पिछले साल से उसकी पॉलिसी चेंज हो गई है तो अब तो शासन के अधिकृत जो लोग हैं उनके माध्यम से ही मतलब उनका विक्रय किया जा रहा है तो ऐसा संभव नहीं, परंतु फिर भी जो शिकायतें मिल रही तो उसको निश्चित रूप से जाँच कराएंगे और आगे उसमें जो भी होगा करेंगे। भिलाईगढ़ में अज्ञात ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने भिड़ंत में बिल्टीकरी निवासी बाइक सवार कुलेश्वर साहू बुरी तरह घायल हो गया, जिसे भिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां उसका प्राथमिक इलाज के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया था जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश है। बहरहाल पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुलेश्वर साहू जो है बिलाईगढ़ बाजार आना था, जो दुमानी ने एक ट्रैक्टर से टकराया है और वहीं पर इस बात पर घायल हो गया था। इस बात में लेके आए थे यहाँ, यहाँ से रिपर के बिलासपुर तो रास्ते में खत्म हो गया, तो अभी ट्रैक्टर का नाम नहीं आया नंबर, लेकिन ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होना बताया। संभागीय अध्यक्ष पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झेरिया बरेठ धोबी समाज ने चांपा थाने का घेराव किया। छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी बरेठ समाज के संभागीय अध्यक्ष राम सेवक बरेठ पर 6 अप्रैल की शाम कुछ लोगों ने प्राण घातक हमला किया था। हमले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों का पता नहीं लगा सकी है। समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दिन पहले एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इसके साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने पर 11 अप्रैल को थाने का घेराव करने की चेतावनी दी गई थी। इसी कड़ी में चांपा थाने का घेराव कर अपनी मांग दोहराई गई। थाना प्रभारी ने जांच जारी होने और मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया। हमारा समस्या आज का कार्यक्रम का ये है कि पिछले महीना मार्च में 6 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ झेरिया धोबी बरेठ समाज के संभागीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राम सेवक बरेठ जी को किसी अज्ञात हमलावरों के द्वारा उसके सिर में डंडे से चोट पहुंचाया है, जो 1 महीना और 5 दिन से भी ऊपर होने को हो गया और हम इस बाबत एसपी महोदया से मिल करके भी इसका
हम लोग ने विनती किया, ज्ञापन दिया कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए करके, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उस अपराधी को पकड़ा नहीं गया है, जिसके कारण हमारे धोबी समाज के पूरा बिलासपुर संभाग, जिसमें कई जिले के लोग आक्रोशित हैं। हमारा मानना तो ये है कि ये घटना श्री राम सेवक बरेठ जी के सिर पर नहीं, ये जेरिया धोबी बरेठ समाज बिलासपुर संभाग के ऊपर में बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है, और हम इसके दोषी को जब तक पकड़ में नहीं आता है तब तक हमारा ये आंदोलन चरणबद्ध सुनियोजित तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चलाते रहेंगे। ये आज चापा का थाना घेराव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने किया, ये संकेत दिया, अपना असंतोष को हमने पुलिस विभाग को जानकारी दिया इस बाबत कि वो त्वरित कार्यवाही करें। आगामी हमारा कार्यक्रम पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी सारे लोगों को हम कुछ करेंगे, और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं जब तक के इसका अपराधी नहीं पकड़ा जाता। छेरिया धोबी समाज के द्वारा थाना चापा के अपराध क्रम 77/18 के संबंध में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। विधिवत कार्रवाई लगातार विवेचना की जा रही है, जांच भी की जा रही है, संदेहियों से बुला बुला कर और उनके पास जाकर विवेचना की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस संबंध में जो संदेहियों के नाम आए हैं उनसे पूछताछ करने पर जो पता चला उस आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। हरदी बाजार के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के पड़ताल में आए नए तथ्यों के मुताबिक लॉकर को काटने के दौरान उसमें आग लग गई। आग लगने से लॉकर के भीतर रखी रकम दूसरे कागजातों के साथ जलकर खाक हो गई है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि जितनी भी रकम लॉकर में मौजूद थी सभी गैस कटर की चिंगारी से निकली आग में जलकर खाक हो गए। संभवतः चोर अपने साथ रकम नहीं ले जा पाए हैं। बैंक के भीतर धुएं के गुब्बार छटने के बाद जब इन्होंने प्रबंधक की मौजूदगी में लॉकर का मुआयना किया तब यह बात सामने आई। आग में रकम के साथ ही बैंक के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी स्वाहा हो गए हैं। पुलिस अभी यह स्पष्ट नहीं कर सकी है कि क्या चोरी की थोड़ी बहुत रकम चोरों के हाथ लगी है। हालांकि उनके मुताबिक चोरों को बैंक से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कल रात की घटना है ये। अभी आज सुबह जब बैंक खुला, जिला सहकारी बैंक का ये मामला है जिसमें कल रात को चोरी हुई है। सुबह जब चौकीदार गेट का बैंक का दरवाज़ा जब उसने खोला तो उसने देखा कि पीछे का जो शटर है वो टूटा हुआ है, उसमें गैस कटर से उसके ताले को काटा गया है, जिसको सूचना उसने मैनेजर को दी और मैनेजर ने फिर थाने में सूचना दी। तो लापरवाही यहाँ बहुत कई बार थाने से हिदायत दी गई थी इस बैंक को, यहाँ ना सायरन है इस बैंक में, ना यहाँ का CCTV काम कर रहा है और ना ही यहाँ किसी चौकीदार को रात में रखा जाता है। तो बार बार इस थाने की तरफ से इसको हिदायत दी जा रही थी बैंक को, लेकिन बैंक के प्रबंधन ने इसकी पूरी तरह से उसकी अवहेलना की है, जिसके कारण ऐसी घटना घटी यहाँ पर। चोर पैसा ले गया है कि नहीं ले जा पाया है अभी उसे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन लॉकर को काटने का पूरा प्रयास किया गया, उसमें आग लगी हुई थी अंदर में, तो ऐसी संभावना है कि पैसे जल भी गए होंगे। चोरी और आगजनी के इस सनसनीखेज मामले में बैंक के भृत्य बोधराम से भी हमारे संवाददाता ने बात की। उसने बताया कि हर दिन की तरह कल शाम वह बैंक के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर घर लौट गए थे, लेकिन जब वह सुबह ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए तो भीतर से धुआं निकलते हुए देखा। जब बैंक के पिछले हिस्से में उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें पूरा माजरा समझ में आ गया। जी सर, मैं आया हूँ, सबसे पहले गेट खोला हूँ, सामान्य प्रतिदिन की तरह वैसे गेट सामने का लगा हुआ था, और जैसे मैं अंदर घुसा हूँ तो थोड़ा धुआं आ रहा था, तो फिर मैं सामने तरफ पीछे तरफ का दरवाज़ा खोला हूँ, हल्का लगा हुआ था, जबकि मैं कल लगा के पूरा उसको गया था पूरे स्टाफ के साथ में 5:30 बजे, और जैसे आगे बढ़ा हूँ तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो वैसे ही मैं तत्काल साहब को अपने ब्राह्मण जो श्रीमान सत्यप्रकाश सूर्य जी को फोन लगाया हूँ। जी सर, ग्रिल टूटा हुआ था, जो ताला हुआ वो बिल्डिंग से गैस कटर से उसको काटे गए थे, पड़ा हुआ सामने। दरअसल सुबह सूचना के बाद बैंक पहुंचे प्रबंधक ने तकरीबन 18,77,800 रुपए चोरी किए जाने की बात कही थी। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। CSP दर्री पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से चोरों के संबंध में अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। संभवतः जल्द ही चोर उनकी पकड़ में होंगे।
दंतेवाड़ा में दो माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस का दावा है कि सरेंडर करने वाले माओवादी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते थे। उनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है। महिला माओवादी पर अलग अलग माओवाद हिंसा में सुरक्षा बलों के 29 जवानों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने वाले माओवादी संगठन मिलिट्री दलम के महिला माओवादी मंजुला व सुंदर को राम ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। दोनों माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। समर्पण किए क्योंकि दोनों जो है वर्तमान में जो मिलिट्री कंपनी नंबर 6 माओवादियों उसमें सक्रिय थे और सक्रियता के दौरान ही जो सीधे जो है वो जंगल में कंपनी को छोड़ के जो सीधा उन्हें एसपी ऑफिस जो सरेंडर करने आए इच्छा से जो है एक का नाम है मंजुला है। ये जो है आपके ग्राम मुंडेर थाना जो बांगापाल की रहने वाली है और पिछले जो 15 वर्षों से वो जो काम कर रही है कई बार जो है आपके जो मृत्यु रेलवे कंपनी नंबर 2 में बटालियन नंबर 1 में कंपनी नंबर 6 में इतने जगह वो काम कर चुका है और कई बड़ी बड़ी घटनाओं में जो है शामिल और तथाकथित उनके जो प्रवक्ता जो विकल्प तो राजू है उसका कन्वेंट के रूप में भी जो काम कर रहा है। ये दोनों के विरुद्ध में जो है शासन की जो पॉलिसी के अनुसार जो 8-8 लाख रुपए का इनाम। बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने सारकेगुड़ा मार्ग पर सीरियल बम लगा रखा था। राजपेटा के पास से 3 आईईडी, 2 बम 10-10 किलोग्राम और 1 बम 20 किलो का बरामद किया गया है। इस बारे में सीआरपीएफ 168वीं बटालियन के कमांडेंट विनय कुमार ने जानकारी दी। एसपी कोरबा और एएसपी कीर्तन राठौर के निर्देश पर जिले की पुलिस इन दिनों पुराने स्थायी वारंटियों की धरपकड़ जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक ऐसे वारंटी को हिरासत में लेने में कामयाबी पाई है जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल 15 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में पुलिस को जिस शख्स की तलाश थी वह उन्हें मड़वारानी के मंदिर में सन्यासी का रूप लिए हुए मिला। वह बीते कई सालों से साधु के तौर पर आसरा लिए हुए था। उर्गा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ दूसरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। जैसा कि एसपी महोदय के मार्गदर्शन में जितने पुराने मामले हैं मामलों में स्थायी वारंट जारी किया गया है। उन आरोपियों के धरपकड़ संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं तो इसी मामले में एक अपने पास एक पुराना 15 साल पुराना लगभग मामला था कैंडी पी एस एक्ट गांजा का मामला था जिसमें सतपाल उर्फ महिपाल पिता जगन्नाथ चौहान के नाम से एक वारंट था। इसको पता तलाश करने पर पता चला कि एक सन्यासी के रूप में पिछले 8-10 साल से मड़वारानी मंदिर में आश्रय लिया हुआ है तो सूचना पर इसको वहाँ से हम लोग वारंट तामिल करके आज जिलाए हैं। एक सन्यासी के रूप हो गया, ये घूमते फिरते रहता है चारों धाम में घूमते फिरते रहता है और जहाँ जहाँ खड़ा है इनका मिलने लगता है तो सन्यासी को जो काम है वो लगभग सन्यासी जीवन जैसे व्यतीत कर रहा है आदमी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। मैं फाल्गुनी राजानी, आप सबकी चहेती गुलफाम कली भाभी जी घर पर है से। आप तो हमें टीवी पर देखते रहते हैं लेकिन आज आप हमें इस न्यूज चैनल के जरिए देखने वाले हैं। सो INN24 न्यूज चैनल हमेशा देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूँ रघुराम, आप देख रहे हैं INN24।